नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं स्थित हूँ अभी छत्तीसगढ़ में सेकगढ़ धमदागढ़ में, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। और मेरे पीछे आप लोग मंदिर देख रहे होंगे, यह मंदिर मिट्टी के कलश और दिए से बना हुआ मंदिर है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, ऐसा मंदिर मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने इसके अलावा और ऐसा मंदिर देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए फिर आप लोगों को मिट्टी के दिए और कलश से बने हुए यह मंदिर दिखलाते हैं, जो कि धमदा शहर में स्थित है। आप लोग नीचे देखिए, मिट्टी से बने कलश रखे हुए हैं और इसी कलश से यह मंदिर बना हुआ है। और यह मंदिर खैरागढ़ और धमदा वाले रोड में स्थित है। यह रोड आपको सीधा धमदा लेकर जाएगी। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं, इस साइड भी कलश, मिट्टी के कलश से मंदिर बनी हुई है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग। और आगे चलकर आप लोगों को मैं एक बार यहाँ का कौन सा देवी देवता स्थित है उसे एक बार दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ऊपर का बनावट देखिए, कांसे के बर्तन का उपयोग भी यहाँ पर किया गया है। और ये नीचे का हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। और इस साइड आप लोग सामने देखेंगे तो कांसे के बर्तन का उपयोग यहाँ पर किया गया है। और इस साइड दिए और कलश को यहाँ पे चिपकाया गया है दीवारों पर। ये देखिए आप लोग, ये कलश है। और अंदर चलेंगे, जैसे हम लोग अंदर पहुँचेंगे तो आप लोग अंदर में भी ये देख सकते हैं कि कलश ही कलश आपको दिखाई देंगे। ऊपर आप लोग देखिए पूरा, ये देखिए। और इस साइड दिए को उल्टा करके यहाँ पे लगाया गया है और इस साइड आप लोग देखिएगा दिया सीधा करके यहाँ पे चिपकाया गया है, ये देखिएगा आप लोग। तो मैं अंदर पहुँच चुका हूँ और अंदर आप लोग देखिएगा तो बजरंग बली जी विराजमान है। और इस साइड आप लोग देखिए, मिट्टी के दिए से और कलश से बना हुआ है यह मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग। यह सभी मिट्टी से बने हुए हैं और सपोर्ट के लिए यहाँ पे सीमेंट वगैरह और छड़ का यूज़ किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और पूरा तरह से यहाँ पे आप लोग ये देखिए, चारों तरफ सभी तरफ मिट्टी के कलश और दिए यहाँ पे लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं। और यह सभी मिट्टी के कलश और दिए उपयोग किए गए, जो ज्योत जवारा के समय उपयोग किए जाते हैं उसे यहाँ पर रीयूज़ किया गया है। इस तरफ आप लोग देखेंगे दोनों तरफ तो ये देखिएगा, और इस साइड भी देखिए, दिए और कलश से डिज़ाइन बनाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है बहुत ही सुंदर तरीका से, ये देख सकते हैं ना आप लोग इस साइड भी। और इस तरफ सामने में दिए जल रहे हैं और नीचे में छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं। और सामने आप लोग देखिए भव्य बजरंग बली जी की मूर्ति है। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो माँ सरस्वती की भी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। और इस साइड भी कलश और दिए का सुंदर उपयोग किया गया है, ये देखिए। और इस तरफ आप लोग देखिए जगन्नाथ जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है। और एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा, सामने देखिए आप लोग बैल है, यहाँ पे मिट्टी का बैल का उपयोग यहाँ पे किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। और इस तरफ भी लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको मैं सामने में, ये देखिए। छत्तीसगढ़ में किस पर्व में इस मिट्टी के बैल का उपयोग किया जाता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो साथियों, हम लोगों को यहाँ के पुजारी जी मिले हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ के बारे में, यह मंदिर कब से बन रहा है और इस मंदिर को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो दादाजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। दूजराम। थोड़ा जोर से बोलिएगा। दूजराम। दूजराम, ये मंदिर कब से बना था? वह 15 साल से ना। कौन बनवावा था ये? नरेंद्र बाबा। नरेंद्र बाबा कौन है? अच्छा,
कोई छड़ जो थे, कोई चिमनी जो थे, कोई पैसा थोड़ी जो लेबर पकड़े। तो कहाँ से लाते हैं सब ये मल्ला? बाहर गांव से ला छोड़े जाते हैं। छोड़े जाते हैं नहीं, नवरात वगैरह में जो भी जला के है नहीं, जोत वगैरह के रीयूज होते हैं, गांव मिलकर लाते हैं। लाते हैं, अच्छा। मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और इस साइड देखिए, ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है। यह मंदिर लगभग 15 सालों से बन रहा है और अभी भी लगातार बनते ही जा रहा है। नवरात्र के पर्व में जो ज्योत जलाए जाते हैं, उस ज्योत कल ज्योति कलश को रीयूज करके इस मंदिर को बनाया जाता है और अभी भी लगातार बन रहा है। इस मंदिर को बनाने में छड़ सीमेंट का भी उपयोग किया जा रहा है सपोर्ट के लिए, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और इस साइड आप लोग देखिएगा, पीछे से आप लोगों को एक बार मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा इसे। ये देखिए आप लोग, ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है और पीछे से यह मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, इस तरह से दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा, ये देखिए, देखिए थोड़ी दूर में यहाँ पर और कलश से निर्मित मंदिरें बनी हुई है और इसमें भी देवी देवता विराजमान है। इसे भी आप लोगों को एक बार मैं दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी कलश से निर्मित मंदिर है और अंदर में गणेश जी विराजमान है। ये देख सकते हैं आप लोग, गणेश जी विराजमान है और माता रानी दुर्गा माता यहाँ पर विराजमान है। और जस्ट इसके पास में आप लोग इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी शनिदेव जी विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ आप लोग नीचे देखिएगा तो पत्थर को कछुए का आकृति दिया गया है, कछुए का आकृति बना हुआ है ना। और ये देखिए शनिदेव मंदिर है, दोनों तरफ देखिए, इसे भी दिए और कलश का उपयोग करके बनाया गया है और सामने में विराजमान है शनिदेव जी। ये देखिए आप लोग, है ना, शनिदेव जी यहाँ पर विराजमान है और ये देख सकते हैं कि मिट्टी और कलश का उपयोग करके इसे भी बनाया गया है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतने तक की उम्मीद है, हमारा आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।